بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي الله رب العزت كلمات حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے बिला शुबा कुरान मजीद की अलहम्स की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक हर सिपारा हर मंजिल हर रकू की कोई ऐसी आयत नहीं जिस आयत में अल्लाह ने अपने महबूब की शान बयान न की। कुरान मजीद के जिन अल्फाज का चुनाव करके तिलावत का शर्फ हासिल किया नहीं नहीं बस नहीं पानी वाला नहीं चलाया उबल शोर करे खराब थी अर्ज कर रहा था जिन अल्फाज का इंतखाब करके तिलावत से अपने लबों को सजाया उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खास अपने नबी के दर की हाजिरी का जिक्र किया। एक शागिर्द अपने उस्ताद की हाजिरी के आदाब सिखाता है कि एक शागिर्द को किस तरह अपने उस्ताद के सामने हाजिर होना है। पीर के दरबार की आदाब मुरीद बताता है कि मुर्शिद के दरबार की हाजिरी और उसके आदाब किस तरह होने चाहिए। एक मुरीद अपने पीर के बारे में आदाब बताए, शागिर्द अपने उस्ताद के बारे में आदाब बताए, लेकिन यहां अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब के दरबार में हाजिरी देने के आदाब बताता है। क्या बात कि किस तरह एक उम्मती को बारगाह नबुवत में हाजिर होना है।
समझ गया, आया नहीं खड़ा। यहां इरशाद फरमाया गया ऐ ईमान वालों, मेरे नबी की आवाज से अपनी आवाज बुलंद न करना। और फिर कहा गया कि जब तुम नबी की बारगाह में आओ और बारगाह मुस्तफा में किस तरह आना चाहिए, शरीयत मुहम्मदिया हमें सबक देती है कि जब भी तुम किसी के दरवाजे पर आओ और उसका तरीका यह है कि उसके दरवाजे पर आकर आवाज दो या उसके दरवाजे पर आकर दस्तक दो, और सुन्नत तरीका है कि जब पहली आवाज दो दस्तक दो, थोड़ी देर के बाद फिर आवाज दो और दस्तक दो, तीन मर्तबा ऐसा करना सुन्नत है। अगर उसके बावजूद कोई शख्स अंदर से बाहर ना आए तो फिर उसके दरवाजे को छोड़ दिया जाए। अदियानी आलम का आप मुतालिया करके देखें, दुनिया में बेशुमार मजाहिब आए, रहनुमा आए, किसी मजहब ने और किसी रहनुमा ने घर में दाखिल होने के आदाब नहीं बताए। ये फकत दीन इस्लाम है जो जिंदगी के हर पहलू से मुताल्लिक रोशनी डालता है। जब दूसरे मजाहिब को दीगर रहनुमाओं को जब पर्दे का ख्याल नहीं तो वो किसी के घर में आने की हाजिरी के आदाब किस तरह बयान करेंगे। तो अर्ज कर रहा था किसी के घर में आने के आदाब ये फकत इस्लाम ने बताए हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु सैयद दुआलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर हाजिर होते हैं और दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते हैं। बेटी का घर था, गैर घर नहीं था, और सरकार अबू बकर सिद्दीक के दामाद हैं, अबू बकर सिद्दीक की बेटी नबी के हरम में है। जैसे ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हजरत अबू बकर सिद्दीक बगैर आवाज के और बगैर बताए घर में दाखिल हुए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे जलाल आया। बात बिल्कुल बज़ाहिर मुख्तसर है, छोटी है, यानी लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना,
रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि अपने घर में भी आओ तो तब भी आवाज देकर आओ। आपके अपने घर में आपकी जौजा है, आपकी वालदा है, आपकी बहन है, कोई उनसे पर्दा नहीं, कोई गैर महरम नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी कहा कि जब भी तुम अपने घरों में भी दाखिल हो तो आवाज देकर आओ, दस्तक देकर आओ। वजह कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी वालदा और तुम्हारी बीवी के सर से दुपट्टा उतरा हुआ हो, वो कहीं इस हालत में तुम्हें देखकर वो शर्मिंदा ना हो जाए और तुम्हारी आवाज सुनकर वो अपने पर्दे को दुरुस्त कर ले। लेकिन सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात, जिनका बचपन, लड़कपन, जवानी, सफर, हजर, सुबह, शाम, दिन, रात, जितना वक्त अबू बकर सिद्दीक का रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रिफाकत मुस्तफ़ा में गुजरा, वो किसी सहाबी का नहीं गुजरा। कोई जवानी में आया, कोई बचपन में आया, कोई बुढ़ापे में आया, कोई सफर में आया, कोई हजर में आया, कोई जंग में आया, कोई अमन में आया, कोई घर में आया, कोई मस्जिद में आया, मुख्तलिफ औकात में, लेकिन वाहिद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात है जिनकी जिंदगी के 60 साल नबी की रिफाकत में गुजरे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में तशरीफ लाए तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को देखा तो चेहरे पे जलाल आया। फरमाया, अबू बकर, जी हुजूर। फरमाया, जब तुम घर में दाखिल हुए, मेरे घर में आए, आवाज दी थी? हुजूर, नहीं। फरमाया, दस्तक दी थी? हुजूर, नहीं। फरमाया, आज के बाद अबू बकर सिद्दीक से कहा कि खा तुम्हारा अपना घर हो या बेटी का घर हो, जब भी आओ तो इस अंदाज से आओ कि दरवाजे पे दस्तक दो और आवाज देकर आओ। और जहां एक और बात भी जरा सुने, अकीदे की बात है, अगर घर में कोई भी ना हो, आपको मालूम है कि आपने दरवाजा खुद खोला, ताला खुद खोला, लॉक खुद खोला, अगर कोई घर में नहीं है तो आका फरमाते हैं जब अंदर दाखिल हो वो तो फिर मुझ मोहम्मद की जात पर सलाम पढ़ा करो, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। क्यों? इसलिए कि आका फरमाते हैं कि जहां कोई ना हो मुझ मोहम्मद की रूह हर घर में मौजूद होती है। और उलमा फरमाते हैं कि जब ऐसा करोगे अल्लाह तुम्हारे घर में हिफाजत भी रखेगा और तुम्हारे घर में रिस्क में बरकत भी हो जाएगी। यहां हमें दीन ने यह सिखाया, हमें इस्लाम ने यह सिखाया, हमें मजहब ने यह सिखाया कि अपने घर पर भी आओ तो दरवाजे पे दस्तक दो, आवाज दो। ये आम आदमी के लिए है, लेकिन कहा जब मेरे नबी के दरवाजे पर आओ आवाज न देना। जब मेरे नबी के दरवाजे पर आओ तो दस्तक न देना। या अल्लाह, तेरे नबी का और तेरा हुक्म है जब किसी के दरवाजे पर आओ तो दस्तक दो, आवाज दो। कहा वो इसलिए दी जाती है कि आप 2 घंटे से बाहर खड़े रहें और फिर 2 घंटे के बाद अगर कोई घर से बाहर आए तो आप उसे कहें कि जनाब, मैं आपके दरवाजे पे इतनी देर हो गई खड़ा रहा। वो कहेगा, दरवाजे पे दस्तक दी थी? नहीं। आवाज दी थी? नहीं। कहा, जी मुझे क्या खबर कि बाहर कौन आया है।
जिसके दरवाजे पर आओ अब नबी और उम्मती के दरवाजे का फर्क देखे। कहा जिसके दरवाजे पर आओ तो आवाज दो, और नहीं दोगे तो अंदर वाले को खबर कैसे चलेगी। लेकिन जब नबी के दरवाजे पर आओ तो आवाज ना दो, खामोशी से हाथ बांध कर खड़े हो जाओ। खामोशी से खड़े रहो, कोई आवाज ना देना। मेरे मालिक, अगर आवाज ना दें तो खबर कैसे चलेगी कि बाहर कौन आया है। मैं यही तो हमने बताना है कि जिस आम बंदे के दरवाजे पर आओ तो दस्तक देना जरूरी है, ताकि अंदर वाले को खबर चले कि बाहर कौन आया है। लेकिन जब मेरे नबी के दरवाजे पर आओ और मेरे महबूब के दरवाजे पर आओ तो दस्तक देना जरूरी नहीं, खामोशी जरूरी है। या अल्लाह पता कैसे ले चलेगा। फरमाए यही तो फर्क बताना है, आम बंदे को खबर नहीं चलती कि बाहर कौन आया है, और नबी को खबर चल जाती है। जब तुम घर से चलते हो तो नबी जान लेता है मेरा गुलाम मेरे पास आ रहा है। और फिर हम नमाज पढ़ रहे हैं, भाई नमाज, भाई इससे का पहले मुझे ये जवाब दें, सलाम करना सवाब है ना, बोलिए सलाम करना सवाब, और सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है। लेकिन उसके भी आदाब होते हैं। अब हम बैठे हैं, अगर यहां से बाहर से कोई आ जाए और वहीं खड़े होकर कहे जनाब अस्सलाम वालेकुम, ये नाजायज है। हालांकि सलाम करना सवाब है, सुन्नत है, लेकिन ये आदाब महफिल के खिलाफ है। बस आओ जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा है, खामोशी से आकर बैठ जाओ। तीन कामों में बड़ी इज्जत मिलती है, शोहरत, इज्जत, बरकत तीन कामों में है। सरकार फरमाते अफ़्शु सलाम, पहला काम यह है कि सलाम फैलाओ, सलाम फैलाओ। और दूसरा काम यह है कि आका फरमाते हैं भूखे को खाना खिलाओ, उसमें इज्जत बढ़ेगी। सलाम फैलाओ, ये ना देखो कि ये भी छोटा है या बड़ा है, सलाम में पहल करोगे तो अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाता है, और सलाम का जवाब देने वाले को अल्लाह ताला उससे ज्यादा इज्जतें अता फरमाता है। पहले कहा कि सलाम फैलाओ, सलाम करो, दूसरा काम भूखे को खाना खिलाओ, तीसरा काम है कि पिछली रात उठकर अपने रब की बारगाह में सजदा करो। और वो सजदा कैसे है वो कुरान बता देता है। कोई बरकत पई कोई राशि अच्छा चलो وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ एक माइक एक स्पीकर खराब है, तुसा भी हिंदी सुन्नत अमल कराए जो अधी आवाज कट है, क्योंकि तो फिर आज माशाल्लाह नए पाकिस्तान का दूसरा दिन भी है। क्यों भाई, मैंने कल जब मोहतरम इमरान खान की तकरीर सुनी तो दिल खुश हुआ, उसमें बहुत सी इस्लाही बातें थी। हालांकि हमारा किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो बात अच्छी थी तो जितनी तकरीर उन्होंने की है, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उस पर अमल करने भी की तौफीक अता फरमाए, और पाकिस्तान एक नई राह पर जो चला रहे हैं, अल्लाह ताला मुल्क के पाकिस्तान को सलामत रखे। और अगर इसी तरह हुक्मरान जैसे आकर उन्होंने कहा है, पूरी दुनिया के हुक्मरानों को बहुत बड़ा मैसेज दिया है, सबसे बड़ी बात यह की है कि हम सादगी से जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमा, मुल्क पाकिस्तान को कयामत तक खुदा सलामत रखे।
आमीन तो कहो ना। तो अगर नए पाकिस्तान की खुशी में है तो जरा मैं कुरान पढ़ देता हूँ, आप इस नीयत से कहें कि अल्लाह पाकिस्तान को कयामत तक सलामत रखे, और मोहब्बत से कह दो क्या ख्याल है भाई, पढ़ दें कुरान। وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ अद्धे बंदे ने हिंदू ते अमल किए, मैं जानना था तो अगर सारे या तो सारे अमल कर लो फिर सारे तक ये पता चल जाए, लेकिन मोहब्बत से जरा एक मरतबा दिल खोल कर कह दो ना। وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا اللہ آپ کو خوش رکھے۔ سید دو عالم نے فرمایا تین کام کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں تمہیں عزت بھی دے گا اور شہرت بھی دے گا اور محبت بھی دے گا اور رزق میں برکت بھی ہوگی۔ فرمایا پہلا کام ہے افشو السلام، ارے سلام پھیلایا کرو، ایک دوسرے کو دیکھ کر سلام کیا کرو۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ بھوکے کو کھانا کھلایا کرو۔ اور تیسرا کام ہے جب رات کا وقت ہو اور لوگ سو جائیں اور تم پچھلی رات کھڑے ہو کر مصلی بچھا کر اپنے رب کی بارگاہ میں تہجد پڑھا کرو تو اللہ تمہیں مزید عزت عطا فرمائے گا۔ نماز تہجد، اور عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا، اب فرمانے نے رات پاوے تے بے دردان امید پیاری آوے، درد مندانوں تک سنے دی ستیاں جگاوے، تے پچھلی راتی رحمت رب دی، ہاں پچھلی راتی رحمت رب دی کنے بلندی آوازا، او بخشش منگن والی کارن کھلا ہی دروازہ۔ اور علامہ اقبال نے بھی خوب کہا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، اقبال نے کہا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ارے راہ دکھلاؤں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، سلام کرنا سنت اور اس کا جواب دینا واجب۔ اب جس نے سلام کیا اسلام دین اسلام نے کہا کہ سلام پھیلاؤ، اگر آپ اور میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں اگر کوئی شخص آ کر سلام کرے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے، کیا نماز کی حالت میں ہم سلام کا جواب دیں گے؟ بولو، نماز کی حالت میں نہ کسی کا سلام سن سکتے ہیں نہ کسی کو سلام کا جواب دے سکتے ہیں۔ بھئی اب سنو ذات نبوت کے بارے میں، اللہ فرماتا ہے میرے بندوں جب تم آپس میں کسی جگہ کھڑے ہو چاہے وہ حالت نماز ہو یا نوافل ہوں یا سنتیں ہوں یا فرائض ہوں، اور کوئی نماز جو میری عبادت میں کھڑے ہو
खुशबू खुजू के साथ खड़े हो, तो मेरी बारगाह में जब खड़े हो अगर कोई शख्स आ जाए और तुम्हें सलाम कहे तो उसके सलाम का जवाब ना दो। लेकिन जब मेरे नबी की बारगाह की बारी आई तो अल्लाह ने फरमाया जब मेरे नबी के दरबार में आओ तो फिर तुम्हें मेरा हुक्म क्या होगा। अच्छा माशाल्लाह, अशाल्लाह बेटा क्या हाल है? ठीक मैं बैठिए। हाँ ये सलाम कर रहे हैं, आप जानते तो नहीं है ना? नहीं, इनको तो आप बड़े बड़े जान गए। बेटे के लिए कुर्सी ले आओ भाई। नहीं अपना कर्शा अल्लाह ताला और इज्जत अता फरमाए। अजीजम सलमान नईम अल्हम्दुलिल्लाह, लोग कहते हैं कि किस तरह जीता, मैं कहता हूं कि ये अपने किरदार की वजह से जीता है। अब जो अल्लाह ताला ने इसको इज्जतें दी हैं और ये माँ बाप की तरबियत का नतीजा है। बड़े बड़े लोग रश्क कर रहे हैं। आज इतनी बड़ी एक शख्सियत ने मुझे खुद टेलीफोन किया, कहने लगे मैं हैरान हो गया, कहने लगे जनाब वो सुना है कि सलमान नईम साहब आपके इलाके के हैं। मैंने कहा हुक्म? कहते जी मैंने सिर्फ उनको देखने आना है कि वो कौन सा बच्चा है जिसने अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी इज्जत पाई है। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है। ये पौधा अल्हम्दुलिल्लाह शाही मस्जिद तोतलावाली का लगा हुआ है और मैं इससे बढ़कर इनके वालिद गिरामी मोहतरम जनाब अलहाज शेख मोहम्मद नईम साहब को हदीयत तबरीक पेश करता हूँ, मुबारक भी देता हूँ और इनसे अर्ज करूँगा कि अल्लाह ने जो आपको इज्जत दी है, इज्जत मिलना ये बहुत बड़ा कमाल है, लेकिन उस इज्जत को कायम रखना ये उससे भी बड़ा कमाल है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अजीजम सलमान बेटा मुल्तान के लिए नहीं फकत अपने इलाके के लिए नहीं बल्कि इंशाल्लाह मुल्क व मिल्लत के लिए जो किरदार अदा करेगा उसको भी देखकर हम रश्क करेंगे। चलो भाई नार रख दो ना। तो मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे कि जिसको इज्जत अल्लाह दे तुम भी उसकी इज्जत किया कर। हम सब तोतला वाली मस्जिद की तरफ से अजीजम मोहतरम बेटे मोहम्मद सलमान नईम को बारे दिगर मुबारक देते हैं और मोहतरम जनाब अलहाज शेख मोहम्मद नईम साहब को मुबारक देते हैं। और इससे बढ़कर मैं आज जितना भी नाम लूँ इनके दादा जान अलहाज शेख मोहम्मद शरीफ साहब बड़ी बावकार शख्सियत आशिक रसूल थे और वो मस्जिद तोतला के साए में आराम कर रहे हैं और उनकी याद रूह कितनी खुश होगी। इन लोगों को इक्तदार की ज़रूरत नहीं, इनका तो मकसद सिर्फ ये है कि अल्लाह के बंदों की खिदमत करना। अल्लाह ताला ने उसका अल्हम्दुलिल्लाह सिला अता फरमाया है। अल्लाह ताला इनको मजीद बरकतें अता फरमाई, इज्जतें अता फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था आम आदमी अगर नमाज की हालत में खड़ा हो अगर कोई आकर सलाम कहे तो उसको जवाब नहीं देना, लेकिन जब तेरे और मेरे नबी की बारगाह आए तो कहा चाहे नमाज भी है जब तक सलाम नहीं भेजोगे उस वक्त नमाज होगी नहीं। और आओ जरा देखो क़याम हो गया, रकू हो गया, सजदे हो गए, जलसा हो गया, सारी नमाज हो गई, या अल्लाह सलाम फेरे। आ जाओ बेटा, या अल्लाह सलाम फेरे। फरमाया अभी सलाम ना फेरो, पहले मेरे नबी की जात पर दरूद व सलाम पढ़ो। और क्या कहा? फरमाया अत्तहियातुल लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका। नजर दिल से कहो ना,
نہ محبت سے کہو یا اللہ میں تیرے نبی کی ذات کے سلام پر درود پہ گفتگو کر رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. قیام ہو گیا، اب یہ بات ذرا توجہ سے سننا، نماز کی حالت میں کوئی شخص کھڑا ہو اگر سلام کوئی کہہ دے اس کا جواب دینا جائز نہیں، لیکن جب تیرے اور میرے نبی کی باری آئی فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی. نماز کی حالت میں سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتے، لیکن اب سنو میرے نبی کے غلاموں، سیدنا قائد عالم کے غلاموں، جب سلام کا جواب نہیں دے سکتے تو کسی کی گفتگو کا جواب کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ عام بندے کے لیے کلام ہے کہ کوئی سلام کرے تو اس کا جواب نہ دو اور کوئی بلائے تو اس کے بلاوے پر نہ جاؤ، اس لیے کہ تم اللہ کی عبادت میں کھڑے ہوئے ہو. لیکن آؤ جب سرزمین عرب ہے، عرب میں صحرا ہو، صحرا میں مدینہ ہے، مدینے میں حرم ہے، حرم میں مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی میں ریاض الجنت ہے، ریاض الجنت میں محراب نبی ہے، ایک محفل سجی ہوئی ہے، سیدنا قائد عالم اپنی جگہ پہ تشریف فرمائے، میرے نبی کے ایک صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے میں نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ علیحدہ نماز پڑھ رہے تھے، میرے نبی نے دیکھا، مجمع میں دیکھا کہ ابو سعید خدری نظر نہیں آئے، سرکار نے آواز دی تالیاں ابی سعید خدری، نبی پاک نے آواز دی، حضرت ابو سعید خدری وہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ نوافل تھے یا فرائض تھے یا وہ سنت ادا کر رہے تھے، بہرحال اللہ کی نماز پڑھ رہے تھے. ادھر نماز کے دوران جب نبی کی آواز آئی، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکوع کیا، رکوع کے بعد پھر سجدوں میں گئے، اتنی دیر میں نبی نے دوسری آواز دے دی، پھر نبی نے تیسری آواز دے دی، حضرت سیدنا قائد عالم نے جب تین آوازیں دی تو حضرت ابو سعید خدری نے جلدی سے سلام پھیرا، بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے، میرے نبی نے فرمایا، سرکار نے فرمایا، ابی سعید خدری جی حضور، فرمایا میں نے پہلی آواز دی اور تم حاضر نہ ہوئے، میں نے دوسری آواز دی اور تم حاضر نہ ہوئے، میں نے تیسری آواز دی تم حاضر نہ ہوئے، فرمایا کہاں تھے؟ حضرت ابو سعید خدری نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا. سرکار خاموش ہو جاتے کہ ٹھیک ہے تو اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا، لیکن میرے نبی نے جب یہ سنا کہ حضور میں تو اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا، سید دو عالم نے فرمایا یہ نہیں کہا اچھا چلو ٹھہر جاؤ ٹھیک ہے نماز پڑھ رہے تھے، میرے نبی نے فرمایا ابو سعید خدری تو نماز تو پڑھ رہا تھا اور میری آواز تیرے کانوں تک آئی، حضور آواز آئی، فرمایا جب آواز آئی تو تو آیا کیوں نہیں؟ حضور میں حالت نماز میں تھا، فرمایا کیا تجھے اللہ کا قرآن بھول گیا ہے کہ جس حالت میں کھڑے ہو اور تمہارا نبی تمہیں آواز دے تو فوری بارگاہ محمد میں حاضر ہو جاؤ، فوری بارگاہ نبوت میں حاضر ہو جاؤ. عرض کیا رسول اللہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا، فرمایا کہ
तूने कुरान नहीं सुना। अब आम बंदा अगर कोई नमाज पढ़ रहा हो और कोई बुलाए तो यही कह देता है भी मैं नमाज पढ़ रहा था, तो वो कह देता है अच्छा चलो ठीक है नमाज पढ़ रहे थे। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया क्या तुझे कुरान याद नहीं कि जब भी अल्लाह और उसका रसूल बुलाए तो किसी के बुलावे पर ना होना, लेकिन जब नबी बुलाए तो फौरी आ जाओ। इसलिए उलमा फरमाते हैं मेरे नबी के गुलामों अगर नमाज में खड़े हुए हो और जब मेरा नबी बुलाए तो नमाज को छोड़ दो, इसलिए कि उसने बुलाया है जिसके सदके अल्लाह ने नमाज अदा की है, जिसके सदके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लाहु अकबर। मेरे नबी के गुलामों सैयदना कैदु आलम के गुलामों अल्लाह फरमाते हैं मेरे नबी के गुलामों आओ जरा मैं तुम्हें बताऊं। अब देखो मेरे आका की हदीस सुनो, सैयद दो आलम में आका बारगाहे सरकार मस्जिद नबी में बैठे हैं और मेरे नबी के सहाबी नमाज पढ़ रहे थे, सरकार ने उसे आवाज दी और वो क़याम में खड़े थे। नबी पाक की बारगाह में से जब ये आवाज आई तो नबी पाक की आवाज सुनकर वो हालत नमाज में उठे और हालत नमाज में आए, वो चेहरा भी फेर दिया, सीना भी फिर गया, बारगाह नबुवत में आए। मेरे आका दो आलम ने देखा कि हाथ बांधे हुए हैं और गर्दन झुकी हुई है। सरकार ने ये नहीं पूछा कि क्या कर रहे थे, बल्कि मेरे नबी ने फरमाया ये पैसे ले जाओ और बाजार चले जाओ और कद्दू शरीफ लेकर घर देकर वापस आ जाओ। हजरत सैयदना कैदु आलम के गुलामों अब नमाज की हालत में अगर चेहरा फिर जाए नमाज टूटती नहीं, अगर सीना फिर जाए तो नमाज रहती नहीं, अगर कदम उठा कर दूसरी तरफ चल दिया जाए फिर तो नमाज बिल्कुल रहती नहीं। लेकिन ये सहाबी नमाज की हालत में चला, हाथ भी बांधे हुए, इसका सीना भी फिर गया और इसके कदम भी उठे और इसका चेहरा भी फिर गया और नबी की बारगाह में हाजिर हुआ। हालत नमाज में कहते अस्सलाम वालेका या रसूल अल्लाह, सरकार ने उसे पैसे दिए, वो बाजार में गया और कद्दू खरीदे, सब्जी खरीद कर जब वो वापस आया और बारगाह नबुवत से वापस चला और वो बाजार भी गया, उसने सब्जी भी खरीदी, हजरत आका दो आलम के घर में भी आया, सैयदा आयशा सिद्दीका से भी बात की और वो हाथ बांधे हुए थे। अब जरा तवज्जो से सुनना, जब वापस आए हाथ बांधे हुए थे, मेरे नबी की बारगाह में जब आए, हुजूर ये पैसे वापस लिए, मैंने वो सब्जी भी खरीदी और मैं घर भी गया, सरकार ने फरमाया अच्छा ठीक है जाओ। सरकार ने फिर पूछा जब मैंने बुलाया था तुम क्या कर रहे थे, अज की या रसूल अल्लाह मैं आपने जब बुलाया मैं दो रकात नवाफिल पढ़ रहा था, मैंने एक रकात पढ़ ली और दूसरी रहती थी। सरकार ने फरमाया अच्छा जाओ पढ़ो, अज की या रसूल अल्लाह मैं एक पढ़कर दूसरी छोड़कर आया, अब आप बताएं कि मैं दोबारा पढ़ूं या क्या करूं। मेरे नबी ने फरमाया नहीं, जहां से नमाज छोड़ी है वहां से शुरू कर दो, जहां से नमाज छोड़ी है वहीं से शुरू कर दो, वहीं से नमाज शुरू कर दो। हालांकि वो कदम भी उठे, वो कदम भी उठे और नमाज की हालत में चलता भी रहा और बोलता भी रहा, लेकिन नमाज की हालत में वो चल फिर रहा था। मेरे नबी ने फरमाया ये नहीं कहा कि बस तेरी नमाज तो टूट गई लिहाजा तू दोबारा पढ़ना शुरू कर दे, नहीं, मेरे नबी ने कहा जहां से छोड़ी ना तुसा इन्ना दे अमन नाल खुश कह नहीं बैठे, जो खुश हुआ है जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह।
मेरा भाई जनाब मोहम्मद यूनुस दवी अंजान अलमारूफ दवी अंजान क्या कहेगा, ये तोतला मस्जिद में कोई मेहमान बनकर नहीं आए। मेरे अजीजो मेरे नौजवानों, अल्लाह तुम्हें बरकत अता फरमाए, ये मेहमान बनकर नहीं आए, ये तो अपने घर में आए हैं, ये तो मोहब्बतें लेकर आए हैं। हम तो दुआएं करने वाले हैं, हम तो मिंबर रसूल पे बैठे हैं, हम तो दुआएं करने वाले हैं। अल्लाह आप सबको इज्जत अता फरमाए, अल्लाह मुल्क पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह मुल्क पाकिस्तान को कयामत तक सलामत रखे। ये वो मुल्क पाकिस्तान जो कादी आदम मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया था और जिसका नजरिया दो कौमी नजरिया हजरत अल्लामा इकबाल ने पेश किया था, और वो लोग जिन लोगों ने लाखों की तादाद में पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां पेश की। इसलिए हम कहते हैं कि लोगों ख्याल करना, ये पाकिस्तान नजरियाती मुल्क है, ये कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए कि ये गुंबद खदरा का फैजान है, ये औलिया का फैजान है, ये वो पाकिस्तान है जिस पे नजर हजरत दाता गनबख्श अली हजवेरी की है, ये वो पाकिस्तान है जिस पे नजर ख्वाजा शेर मोहम्मद शर्कपुरी की है, ये वो पाकिस्तान है जिस पे नजर सैयद जमाती अली शाह की है, ये वो पाकिस्तान है जिस पर नजर खुद आमना के लाल मोहम्मद अरबी की है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। जरा मोहब्बत से कह दो आमीन। अब सुनो नतीजा खज कर रहा हूँ। सैयदना कैदू आलम ने फरमाया, जहां से नमाज छोड़ी थी वहीं से शुरू कर, नमाज नहीं टूटी, वजह क्या है? हुजूर नमाज क्यों नहीं टूटी, हुजूर नमाज क्यों नहीं टूटी? फरमाया, इसलिए नहीं टूटी कि पहले तू नमाज पढ़ रहा था। जो बात कर रहा हूं आपका शौक मोहब्बत के साथ, इजाजत दे तो सुभान अल्लाह जरूर सुनूंगा। फरमाया, जब तुम पहले नमाज पढ़ रहे थे तेरा मुंह काबे की तरफ था, तेरा मुंह काबे की तरफ था, और जब नमाज की हालत में तू आया और मुझसे कलाम करता रहा और बाजार में सब्जी लेता रहा और तू घर भी गया और वापस भी आया और तेरी नमाज नहीं टूटी, इसलिए कि पहले तेरा चेहरा काबे की तरफ था, अब तेरा चेहरा काबे के काबे की तरफ है। और आला हजरत मुजद्दिद-ए-दीन मिल्लत शाह मर्रदा खान रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं कि हाजियो आओ, हाजियो आओ, शहनशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ, शहनशाह का रोजा देखो, अरे काबा देख चुके अब काबे का काबा देखो। अल्लाह ताला हमें सही माने सरकार की मोहब्बत नसीब फरमाए, सुन्नत अदा फरमा ले।